खोल खोल के भी रोजगार देना। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको बता रहा हूं कि इस कोरोना काल में भी लगातार मध्य प्रदेश में छोटी मध्यम और बड़ी फैक्ट्री लगाने लगातार लोग आ रहे हैं, जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और आगे मिलेगा। इस काम को हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। लगातार लोग आ रहे हैं, हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, कई तरह की सहायता देते हैं उनको। अब आप में से कई को पता नहीं होगा, कोई अगर टेक्सटाइल की फैक्ट्री आती है, रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री आती है, तो जो फैक्ट्री लगाता है उसको हम जमीन सस्ती देते हैं, और फिर जो बच्चों को ट्रेनिंग करने का उसका पैसा हम देते हैं, कुछ समय तनख्वाह का एक हिस्सा भी देते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, क्योंकि लाखों बच्चों को रोजगार देना है। अभी औद्योगिक क्लस्टर की बात कर रहे थे, 13 क्लस्टर अलग अलग, नमकीन, फर्नीचर, खिलौने, अब इतनी चीजों की जरूरत है भैया, ये बाहर से क्यों आए आप बताओ, हमारे यहां क्यों नहीं बने? प्रधानमंत्री जी कहते लोकल को वोकल बनाओ। अब भोपाल में अपनी बहनें वो जरदोजी का काम करती है, तो अपनी अपनी बटुआ क्यों नहीं बिकना चाहिए बताओ? बाहर का काय को खरीदो यार, भोपाल की खरीदो, यही तो लोकल को वोकल है। बुधनी में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, काय को चीन से मंगाए, अपने यहां बने खिलौने खरीदो। ये बहनें बैठी इतनी कई तरह का सामान बनाती है, कोरोना काल में सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग कर ली, कुछ किसी ने छोटी मोटी राइस मिल, एक ने अनेकों चीजें बना रहे। तो भैया खरीदो, यही चीज अपनी जरूरत भी पूरी होगी और अपना पैसा बाहर भी नहीं जाएगा। तो एक अभियान पूरे प्रदेश का हम चला कि छोटे छोटे कल कारखाने खुले, हमारे बच्चे खोले। और आज मैं फिर आह्वान करता हूं विवेकानंद जयंती के दिन, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाओ, तुम बन सकते हो। और ये अधिक से अधिक उद्योग आए, हमारे बच्चे उद्योग लगाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, इनक्यूबेशन सेंटर हम खोल रहे हैं, जिनके दिमाग में इनोवेटिव आइडिया है वो उनमें भाग ले सकते हैं। नया इनोवेशन है, हम मदद करेंगे तुम्हें आगे बढ़ने में। नया आइडिया, स्टार्टअप अपना शुरू करो, नया कोई आइडिया है तो उस पर काम करो, हम मदद करेंगे। तुम नया इतिहास रख सकते हो बेटा बेटी, और नया इतिहास रख सकते हो, उसके लिए धन उपलब्ध कराना है, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत हम कराएंगे। आज भी तो 5.25 लाख लोगों को, 16 तारीख से आज तक 5.25 लोगों को, अगर इन योजनाओं के तहत, प्रधानमंत्री जी की योजना, मध्य प्रदेश की सरकार की योजना, हमारी योजना, उन्हीं के अंतर्गत तो दिलवा रहे हैं। कहीं में बैंक की सब्सिडी है, कहीं में हम गारंटी दे रहे हैं, ब्याज की सब्सिडी दे रहे हैं, क्यों नहीं सबको रोजगार मिल सकता आप बताइए? अलग अलग नए नए क्षेत्र ढूंढ रहे हैं, वन है, पर्यटन है, वन में बफर में सफर शुरू कर दिया हमने, नाइट सफारी शुरू कर दी, वन विहार में रात में भी जाओ, जल महोत्सव शुरू कर दिया, हनुमंतिया जैसे टापू बन गए, सैलानी बन गए, गांधी सागर में शुरू हो गया, हॉट एयर बैलून, ऊपर घूमो, एक नहीं कितने धंधे। अपने यहां जितनी खनिज संपदा लगातार हम लगें कि ज्यादा से ज्यादा हम कैसे उस पर आधारित चीजें बनाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। सहकारिता का क्षेत्र, खेती का क्षेत्र, मध्य प्रदेश खेती में आज नंबर 1 है। हमारे किसान कई चीजें पैदा कर रहे हैं, हमारा बासमती धान अमेरिका और कनाडा 50% अपने जाता है, हम धान का आए को धान का चावल बनाए। हमारी सरबती गेहूं का आटा पूरे एमपी वीट के नाम से बिकता है। तो कहने का मतलब यह कि फलों पे आधारित, सब्जियों पे आधारित, अनाज पे आधारित इंडस्ट्री हम लगाए, उसमें रोजगार दें, कई लोग आ रहे हैं इसमें। कितने क्षेत्र हैं,
और मुख्यमंत्री के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बहनों और भाइयों, बेरोजगारों को रोजगार देने में, इन काम धंधों से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम दिन और रात काम करेंगे। आओ मिलकर काम करते हैं, अपन मिलकर बढ़ते हैं, अपन काय को बेरोजगारी रहे, काय को हमारे बच्चे दर दर भटके, और इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। अभी सरकारी नौकरियों में बच्चे कोशिश करें, हमने अभी जो भर्तियां निकाली है, शिक्षकों की भर्ती चल रही, आयुष चिकित्सा अधिकारी, संविदा लैब टेक्नीशियन, संविदा एसटीएलएफ, महिला पोषक प्रतिरक्षक, दंत शल्य चिकित्सक, विकासखंड लेखा प्रबंधक, जिला चिकित्सालय लेखापाल, स्टाफ नर्स एएनएम, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अभी जो भर्ती चल रही है इस प्रक्रिया, जेल प्रहरी की भर्ती चल रही है, सब इंजीनियर की भर्ती चल रही है, पैरामेडिकल नर्सिंग की भर्ती चल रही है, पुलिस में आरक्षक की भर्ती चल रही है, कृषि विभाग में एनएचएम में भर्तियां चल रही है, अभी शिक्षकों की हजारों भर्ती होने वाली है, नर्सिंग पदों पर फिर होने वाली है, ग्रामीण उद्यान विकास भर्ती परीक्षा होने वाली है, सब इंजीनियर की परीक्षा होने वाली है, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, आजीविका मिशन में भर्ती परीक्षा होगी, सहकारिता के विभिन्न पदों पर भर्ती होगी, कौशल प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती होगी, ये सारी भर्तियां और बैकलॉग के पदों की भर्ती की जा रही है। एक तरफ सरकारी जितनी रिक्तियां उनकी पूर्ति करके रोजगार देना, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में खुद अपने पैरों पर भी लोगों को खड़ा करना और उद्योग लाके भी रोजगार देने की कोशिश करना। और इसलिए मैं कह रहा हूं, खेती में मध्यप्रदेश ने बहुत किया है, कोशिश हमारी जारी रहेगी, लेकिन अगला लक्ष्य केवल खेती नहीं, लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछा देना है, मध्यप्रदेश की धरती पर जाल बिछा देना है, ताकि पूरे प्रदेश में रोजगार लोगों को अलग अलग मिले। फर्नीचर खिलौने की बात सकलेचा जी कर रहे थे, टेक्सटाइल में मतलब कपड़ा बनाने के क्षेत्र में, रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को बहुत रोजगार मिलता है, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग, गुड़, ये सारे क्लस्टर विकसित हो रहे हैं, इनमें रोजगार देंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें, निश्चित तौर पे मैं आज उनका अभिनंदन करता हूं, आजीविका मिशन की बहनों का तालियां बजा के स्वागत करें, जितने तरह की चीजें वो बना रही है, उनके सशक्तिकरण का एक नया इतिहास रच रहे हैं, हम उसको बल देने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही लगभग 12 लाख बहनों को, उनके स्व सहायता समूहों को अलग अलग आर्थिक गतिविधियों के लिए 2000 करोड़ से अधिक की क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराई है, पैसा उपलब्ध कराया है, पोषण आहार बना रही, वो 7 फैक्ट्रियां हमारी, उनमें से 4 चालू हो गई, सारे मैनेजमेंट का काम हमारी बहनें देख रही है। पीएम स्वनिधि योजना, छोटे छोटे फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, किराने की दुकान वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुमटी वाले, पंचर जोड़ने वाले, छोटे छोटे काम में लगे लोग, इनको छोटी राशि चाहिए, अगर इनको 10-20 हजार मिल गए तो इनकी जिंदगी की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है। मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में हिंदुस्तान में नंबर 1 है, नंबर 1। फिर गांव के लोग रह गए थे तो हमने सीएम स्वनिधि भी बना दी, गांव में भी बड़े बड़े बाजार है, बड़े सेंटर है, उनको भी बिना ब्याज का पैसा मिले, और वो लौटा दे तो फिर दुगना मिल जाए, उसमें भी लगभग 2.5 लाख लोगों को अभी लोन दिया जा चुका है, बिना ब्याज का लोन, जिसकी गारंटी सरकार लेती है, उनका काम धंधा भी ठीक चल रहा है। अभी आपने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम देखा, मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन, लगातार इस बात के प्रयास चल रहे हैं, सभी जिलों में एक जिला एक उत्पाद योजना बनाई, उसके अंतर्गत हमारे जिस जिले में जो चीज होती, जैसे जरदोजी की बात मैंने भोपाल की कही, बुरहानपुर में केला पैदा होता है, हमारे कुछ जिलों में संतरा पैदा होता है,
हमारा लहसुन, हमारे मसाले, हमारी धान, अलग अलग चीजें। तो एक जिला एक उत्पाद करके हम अब ये कोशिश भी कर रहे हैं कि वो उत्पाद और श्रेष्ठ बन के न केवल देश में जाए बल्कि दुनिया भर में भी उसको भेजें, उसका कैसे निर्यात करें इसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं ताकि ज्यादा पैसा आए। देवारण्य योजना बना के हमारे जंगलों में जो औषधि होती है, मध्य प्रदेश के जंगल बहुत समृद्ध है, अलग अलग तरह की दवाइयां औषधियां, उनको तोड़ के संग्रहण करना तो तोड़ने में लगे लोगों को रोजगार मिले, उसकी प्रोसेसिंग करना, दवाइयां बनाना और फिर बेचना, इसमें हम हजारों लोगों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, उसमें जो राशन गांव जाएगा 89 इलाकों में, तो नौजवानों की गाड़ियों से जाएगा, सरकारी गाड़ियों से नहीं जाएगा, उनको लोन दिला के गाड़ी दिलवाना और हर महीने इतना किराया देना कि जिससे उनकी गाड़ी की किस्त भी निकल जाए और उनकी जिंदगी की गाड़ी भी चल जाए, उनकी रोजी रोटी भी चल जाए ताकि उनको रोजगार मिले। एक और हमने योजना बनाई है कुसुम योजना। अभी बिजली कई बार केवल कोयले से बनती है, पानी से बनती है, किसान अभी तक केवल फसल पैदा करता था, बिजली भी पैदा करेगा, अगर वो सोलर पैनल लगा के बिजली बनाता तो उसकी पूरी बिजली सरकार खरीद के ग्रिड में डाल देगी और उसका पैसा उसको देगी ताकि खेतों में बिजली भी बनाए किसान। तो ये तरीके जो निकाले जा सकते हैं उन सब तरीकों पे हम काम कर रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है, जो बता रहे थे नरहरी 16 नवंबर से 12 जनवरी तक, अब लोगों को लगेगा हाँ 5,26,510 लोगों को इन योजनाओं का लाभ देके काम धंधे में लगाया है 2 महीने के अंदर। 16 तारीख को शुरू किया 16 नवंबर को, तो दिसंबर और ये जनवरी, आज 12 जनवरी है, और उसमें भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3,87,055 लोगों को 2,197 करोड़ रुपए की राशि मिली है काम धंधा चलाने के लिए। स्वनिधि योजना के अंतर्गत पीएम स्वनिधि में 57,125 को यह 2 महीना में 71 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना 63,764 लोगों को 63 करोड़ रुपया। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे स्व सहायता समूह की बहनों को 12,156 को 182 करोड़ रुपया। अब शहरों में भी आजीविका मिशन शुरू कर दिया, 1,602 लोगों को 20 करोड़ रुपया। शहरी आजीविका मिशन एक व्यक्तिगत है, दूसरा समूह ऋण है, उसमें 691 समूहों को 10 करोड़ रुपया। और प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 4,117 लोगों को 160 करोड़ रुपया, कुल मिला के 5,26,510 लोगों को 2 महीने के अंदर अंदर रोजगार से लगाने का काम किया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं ये काम यहीं नहीं रुकेगा, हर महीने रोजगार दिवस मना के हम कम से कम 1,00,000 लोगों को काम धंधे से लगाएंगे ताकि उसकी जिंदगी में कोई हताशा और निराशा ना रहे, एक नया मध्य प्रदेश गढ़ेंगे बहनों और भाइयों। और इसलिए मैं फिर कहता हूं निराशा हताशा छोड़ दो, हिम्मत से आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, मुख्यमंत्री की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, उनका लाभ उठाइए, आगे बढ़िए। मैं जिन बैंकों ने ये लोन दे दिया है मैं उन सब बैंकों का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो कर्मचारी अधिकारी इस काम में लगे मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। हमारी टीम है ये, हम बैंकों के साथ मिलकर, सरकार की योजनाओं के साथ, प्रशासन से मिलकर हम कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी ना रहे और सबको रोजगार का अवसर मिलकर सबकी रोजी रोटी चले। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर एक बार फिर नौजवान हो, बेटे बेटियां हो, भाई बहन हो, उनसे मैं ये आग्रह करना चाहता हूं एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने हम निकल पड़े हैं, आप भी हिम्मत से आगे आइए, आप भी आत्मनिर्भर बनिए और मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग दीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की।
भारत माता की।